सीड भगवान दास गांव के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का देहांत हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन दौलत और प्रतिष्ठा से उनमें तनिक अभिमान आ गया था और वे गरीब लोगों से बहुत ही नफरत किया करते थे। उनका एक बेटा राजू और बेटी विमला थी, उन दोनों में बहुत स्नेह था। सेठ जी के बगीचे में राधा नाम की एक मालिन बाग बगीचे की देखभाल का काम करती थी। उसका भी एक बेटा था बिरजू, जो कि विमला और राजू की ही उम्र का था। राजू अपने पिता की ही तरह गुस्सैल मिजाज का होने के कारण बिरजू पर रौब जमाया करता था और उससे अपने हर छोटे मोटे काम करवा लिया करता था। बिरजू भी राजू की हर बात को पूरी कर दिया करता था। एक दिन की बात है, गांव में तूफानी बारिश हो रही थी। उस दिन राधा बहुत बीमार पड़ी थी। राधा ने अपने बेटे से कहा कि तुम हवेली जाओ और सेठ जी से कह देना कि आज बीमार होने के कारण मैं हवेली नहीं आ सकूंगी। बिरजू ने कहा ठीक है माँ, और ऐसा कहते हुए वह हवेली की तरफ चल पड़ा। बारिश और कीचड़ से बचते बचाते जैसे तैसे वह हवेली में पहुंचा और फिर भी पूरा भीग चुका था। बिरजू दौड़ते दौड़ते हवेली के अंदर पहुंचा और सेठ जी से बोला, सेठ जी आज माँ बहुत बीमार है, वह नहीं आ पाएगी। सेठ जी घनघोर बारिश में भी अचानक आग बबूला हो गए। फर्श पर बिरजू के पैरों के कीचड़ के निशान बन गए थे। सेठ जी ने आप देखा ना ताव और बिरजू के गालों पर ऐसे तमाचे जड़े कि वह कुछ देर तक तो ये समझ ही नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। सेठ जी ने बिरजू से कहा, कह देना अपनी माँ से कल से हवेली आने की कोई जरूरत नहीं है। बिरजू सिसकता हुआ अपने घर पहुंचा। माँ ने बिरजू से रोने का कारण पूछा तो उसने सारा हाल कह सुनाया। तो माँ बोली, रो मत बेटा, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, धन दौलत का अभिमान ही ऐसा होता है। बिरजू मन ही मन बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। सावन का महीना था, पूरे गांव में झूलों और मेलों की बहार थी और अगले ही दिन राखी आने वाली थी। उधर सेठ जी के घर बिमला अपने भाई राजू से कहती है कि इस बार राखी पर कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं चलेगा, मुझे कुछ अलग हटकर चाहिए। राजू बड़े रुआब से बोला, विमला तुम फिक्र मत करो, तुम्हें शहर से बहुत बढ़िया तोहफा ला कर दूंगा। ऐसा कहकर राजू ने फौरन जीप तैयार करवाई और शहर की तरफ चल पड़ा। रिमझिम बारिश अचानक तेज हो गई। आसमान से पानी की गिरती बूंदों ने बड़ा आकार ले लिया था और बारिश ने तूफानी रूप ले लिया। अभी राजू की जीप गांव की सीमा के बाहर ही पहुंची थी कि वे तूफानी बरसात में फंस गए। पास ही बिरजू का घर था। बिरजू ने कुछ आहट सुनी और देखा कि बाहर राजू की जीप फंसी हुई है और चढ़ रहे नाले के पानी में राजू और ड्राइवर डूबे जा रहे हैं। बिरजू हैरान था, फिर भी उसने बहादुरी से काम लिया। बिरजू ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत अपने घर से बड़ी बड़ी रस्सियां ले आया और रस्सियों को पास के ही एक पेड़ से बांधकर उसने उनके सिरे राजू और ड्राइवर की तरफ फेंके। रस्सी की मदद से दोनों नाले के पानी से बाहर निकल कर आ गए। बिरजू राजू और ड्राइवर को अपने घर ले गया। उधर सेठ जी बड़े परेशान थे, घनघोर बारिश हो रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन राजू अभी तक शहर से नहीं लौटा था। विमला का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह बार बार अपने आप को कोसे जा रही थी कि मैंने क्यों भैया से अच्छे उपहार की जिद की थी। भैया तुम जल्दी आ जाओ, सेठ जी ने तुरंत अपने नौकरों को शहर की तरफ रवाना कर दिया। विमला की हालत भी बहुत खराब थी। कुछ ही देर के बाद सेठ जी का एक नौकर आया और उसने सूचना दी कि गांव के बाहर वाले नाले में जीप मिली है, राजू और ड्राइवर का कोई पता नहीं है। फिर क्या था, सभी ने यह मान लिया कि वे दोनों बहते नाली के पानी की बलि चढ़ गए होंगे। दूसरे दिन राखी का त्योहार था, लेकिन सेठ जी की हवेली में तो मातम पसरा हुआ था। विमला को अभी कुछ भी नहीं बताया गया था। सेठ जी अपने आंसू छुपाने की लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे विमला को गले लगाकर रो ही पड़े और बोले, बेटी तेरा भाई अब कभी नहीं आएगा।
सेठ जी के इतने ही शब्द थे कि एकदम राजू को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। सेठ जी तो एक पल के लिए किसी भी चीज पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब राजू ने बिरजू के बारे में सारी बातें बताई तो सेठ को अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत दुख हुआ। सेठ जी ने अपने नौकरों को तुरंत बिरजू के घर भेजा और उसकी माँ को सम्मान सहित लाने के लिए कहा। फिर उन दोनों को सम्मान के साथ हवेली में लाया गया। राखी की सारी तैयारी हो चुकी थी, अब तो विमला ने अपनी थाली सजा ली थी राजू को राखी बांधने के लिए। राजू राखी बंधवाने के लिए जैसे ही बैठा तो विमला ने तुरंत अपने पिता से बिरजू की तरफ इशारा करते हुए कहा, पिताजी मेरा एक नहीं अब दो दो भाई हैं। सेठ जी ने तुरंत बिरजू को भी बुलाया और विमला ने दोनों को राखी बांधी। सेठ जी ने बिरजू की माँ से कहा कि आज से आप मेरी बड़ी बहन हो और बहादुर बिरजू मेरे बेटे के समान है। आज से आप विमला की बुआ बनकर इस हवेली में रहोगी। विमला ने कहा, पिताजी आज मेरे लिए रक्षाबंधन के दिन इससे बड़ा और महान तोहफा कोई और नहीं हो सकता। आज मुझे एक और बहादुर भाई मिल गया।